नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद दुबे। आज हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलीक के बारे में। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र अभ्यास दस्तलीक शुरू हुआ है। सैन्य अभ्यास दस्तलीक के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय यह सैन्य अभ्यास 20 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चल रहा है। द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा। इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य जैसे पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में सेना के मल्टी डोमेन संचालन और सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इस दौरान संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान, संयुक्त युद्धाभ्यास प्रशिक्षण और युद्ध पर चर्चाओं की एक विस्तृत श्रृंखला रहेगी। नई पीढ़ी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान एशिया का एकमात्र डबल लैंड लॉक्ड कंट्री भी है जो अपने चारों ओर भू आबद्ध देशों से घिरा हुआ है। एशिया के मध्य में स्थित उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। 1991 तक उज्बेकिस्तान सोवियत संघ यानी USSR का एक प्रमुख घटक था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।